उदयपुर में कांग्रेस को जीवित करने के लिए चिंतन शिविर लगाया गया, लेकिन वहां बैठे कांग्रेसियों को देखकर यह सवाल मन में उभरता है कि यह शिविर चिंता के लिए था या फिर कांग्रेस की चिता पर मातम मनाने के लिए था। इस मातम में कांग्रेस का यह भी डर दिख रहा है कि अगले साल राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी उनकी सरकार चली जाएगी और सही मायने में भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसका एक ट्रेलर देख लीजिए। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। जिस महान पार्टी से हमारा इतना पुराना नाता है, अब समय है कर्ज उतारने का। उसे किस तरह से और मजबूत किया जाए। Keeping the country in a state of permanent polarization, state of fear and insecurity. अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में कुछ लोगों की मनमानी हम बर्दाश्त करें। उसका दुरुपयोग भारत के लोगों को आपस में बांटने के लिए कर रहे हैं। ये लोग समाज में जात पात के आधार पर, धर्म और संप्रदाय के नाम पर नफरत फैलाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बड़वाल। उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर की जो बैठक हुई उसका लबोलुआब अगर कुछ शब्दों में कहा जाए तो यही कहा जाएगा कि दो दिन चले ढाई कोस। वैसे इसकी तुलना कोल्हू के बैल से भी की जा सकती है, परंतु आपको अगर एक मजेदार बात सुनाऊं तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता से इसकी तुलना की जा सकती है। इस कविता का शीर्षक है पढ़क्कू की सूझ। अब जरा कविता को ध्यान से सुनिएगा। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नए बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा अजी इसमें क्या बात पड़ी है, मालिक ने यह कहा अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहाँ पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। यहां सभी कुछ ठीक ठीक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। आप कहेंगे कि इस कविता से कांग्रेस के चिंतन शिविर का क्या लेना देना। तो ये वही रामधारी सिंह दिनकर है जिन्होंने संसद में बैठकर नेहरू को आईना दिखाया था, और आप ये समझ लीजिए कि वक्त का कारवां बदल गया लेकिन कांग्रेस जो है वो नहीं बदली। अब मैं आपको ये सब क्यों कह रहा हूं ये समझने के लिए आपको पूरी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि साल 1998 ये वो समय था जब कांग्रेस में सोनिया गांधी औपचारिक तौर पर शामिल हुई, और उस समय भी सोनिया गांधी के मन में, कांग्रेस के मन में जो सवाल थे, जो जवाब था, वही सवाल और जवाब आज भी उनके सामने उसी प्रकार से खड़े हैं। अब आप ये देखिए कि जो पहली चिंतन बैठक हुई थी 1998 में सोनिया गांधी के शामिल होने के बाद, तो वही प्रश्न वो खड़े कर रही थी और वही जवाब भी दे रही थी।
आप देखिए 1998 में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, आई एम नो सेवियर एज सम ऑफ यू माइट वॉन्ट टू बिलीव, मतलब मैं सेवियर नहीं हूं। वी मस्ट बी रियलिस्टिक इन आर एक्सपेक्टेशंस, द रिवाइवल ऑफ आर पार्टी इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस इन्वॉल्विंग सिंसियर हार्ड वर्क फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ये 1998 में उनके स्पीच का हिस्सा बता रहा हूं। अब देखिए साल 2018 यानी 20 साल बाद भी सोनिया गांधी के सामने वही प्रश्न था और वही जवाब भी, खुद सुनिए। यह वक्त तो ये देखने का है कि हम सभी, हम में से एक एक व्यक्ति पार्टी के लिए क्या कर सकता है। आज तो केवल एक ही बात मायने रखती है कि जिस महान पार्टी से हमारा इतना पुराना नाता है उसे किस तरह से और मजबूत किया जाए, जिसे वर्तमान चुनौतियों का सामना किया जा सके। यानी 20 साल के चिंतन के बाद भी कोई फर्क नहीं आया, वही सवाल और वही जवाब। और ऐसा 2022 में भी हुआ। अब आप उनका ये बयान सुन लीजिए। आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी कांग्रेस ने अपने चिंतन में परिवर्तन क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब आपको कांग्रेस की उस राजनीतिक शैली में मिलेगा जहां पर वो विभाजनकारी राजनीति करके, विभाजनकारी एक जो तत्व है ना, वो पैदा करके समाज में वो सत्ता पाने का रास्ता पा चुकी थी। और ऐसा उसने साल 2004 में किया, 2009 में भी किया, लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव में ये जो रास्ता है वो कठिन हो गया। और अब आप साल 2022 में आइए तो ये वही जो बंटवारे वाला राजनीतिक एजेंडा है, उन्होंने फिर से इसे लागू कर दिया। आप उनका ये बयान सुनिए। कीपिंग द कंट्री इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट पोलराइजेशन, कंपेलिंग पीपल टू लिव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी, इट मीन्स विशियसली टारगेटिंग, विक्टिमाइजिंग एंड ऑफन brutalizing minorities। और कांग्रेस के पास राजनीतिक रणनीति के नाम पर 2019 में भी यही एजेंडा था, मतलब यही बंटवारे वाली राजनीति। जरा सोनिया जी का ये बयान सुनिए, साल 2019 का है ये बयान। जाति, धर्म और विचारधारा के आधार पर अपने ही नागरिकों से भेदभाव को उचित ठहराया जा रहा है। हमसे उम्मीद की जा रही है कि खान पान, पहनावे, भाषा और अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में कुछ लोगों की मनमानी हम बर्दाश्त करें। आप ये समझ लीजिए कि चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस का राजनीतिक चिंतन इतना कुंद हो चुका है कि वो कभी बंटवारे की राजनीति से आगे बढ़ ही नहीं पाई। अब मैं आपको ये जो बयान है ना, ये 2015 का बयान सुना रहा हूं, आप देखिएगा कि पूरा का पूरा एक पैटर्न नजर आता। आप ये बयान सुनिए 2015 का। जिस विविधता ने हमें पहचान दी है और जिसने हमें दुनिया में अनोखा बनाया है, आज कुछ खास विचारधारा वाले संगठन और लोग उसका दुरुपयोग भारत के लोगों को आपस में बांटने के लिए कर रहे हैं। अब आपको और थोड़ा रिवर्स गियर में लेकर चलता हूं। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी साल 2014 में, तब भी उनके पास यही एकमात्र हथियार था। साल 2014 का ये बयान सुनिए आप।
ये लोग समाज में जात पात के आधार पर, धर्म और संप्रदाय के नाम पर नफरत फैलाते हैं, आपस में हमें लड़ाते हैं। अब सच्चाई ये है साथियों कि देश के राजनीतिक पंडितों का भी मानना था कि कांग्रेस इस देश में ध्रुवीकरण करने में माहिर है, और आप ये लेख देख करके पूरी बात समझ सकते हैं। लेकिन पंडितों की राय से अलग आपको कांग्रेस के कुछ कारनामे दिखाता हूं। अब मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि बहुत सारे कारनामे हैं। चलिए पहले मैं आपको एक बाइट सुनाता हूं। ये बाइट सुनिए। इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटी, दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम। अब कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये बात कांग्रेस के दिल की बात है। अब जब दिल में कांग्रेस के ऐसी बात हो तो सरकार की नीतियां कैसी रही होंगी, ये भी सोचने लायक है ना। अब आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सरकार ने संविधान की धर्म निरपेक्ष भावना को धता बताते हुए धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की पहल की थी। आप ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम आरक्षण की कोशिश शुरू कर दी थी कांग्रेस की सरकारों ने। और यही नहीं, कांग्रेस की सरकार अल्पसंख्यकों द्वारा दंगे में किए गए किसी भी प्रकार के जुल्म को माफ कर देने और हिंदुओं को दोषी बना देने के लिए कम्युनल वायलेंस बिल भी लेकर आई थी। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। हालांकि भाजपा के प्रचंड विरोध के कारण यह नहीं हो सका। मतलब कम्युनल वायलेंस बिल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये बताने के लिए कि कांग्रेस किस प्रकार से सांप्रदायिक हो चुकी थी और सांप्रदायिकता को फैलाना चाहती थी। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने इन कदमों से सोनिया गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों से यह अपील जरूर की कि सेकुलर वोट बटने ना पाए। मतलब आप देखते रहिए क्या क्या किया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सेकुलर वोट मस्ट नॉट स्प्लिट, सोनिया टेल्स मुस्लिम। और इसके लिए बकायदा दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने सार्वजनिक घोषणा की और अपील की कि मुस्लिम कांग्रेस को ही वोट दे। आप ये बाइट सुन लीजिए, बहुत छोटी सी है। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। है ना जबरदस्त सेक्युलरिज्म। मतलब सेक्युलरिज्म के नाम पर पोलराइजेशन का खेल, और 2014 में इस खेल में ये बुरी तरह से मात खा गए। लेकिन फिर भी इनकी पूंछ सीधी नहीं हुई। और आप आगे देखिए कि 2018 में राहुल ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। आप एक ये छोटी सी मीडिया रिपोर्ट देख लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 11 जुलाई को मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की थी। इनकलाब नाम के उर्दू अखबार ने बैठक के बाद खबर छापी है जिसका शीर्षक दिया गया है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। सेक्युलरिज्म के नाम पर पोलराइजेशन के इस खेल को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने एक और धमाका कर दिया। अब ये धमाका क्या था, मैं आपको एक बाइट सुनाता हूँ। इस धमाके में उन्होंने हिंदुत्व को गाली देने का काम किया। आप उनका ये बयान सुन लीजिए। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। साथियों, आपको शुरू में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाई थी। अब आप ये समझ लीजिए कि जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स हैं वो पढ़क्कू हैं, और बाकी कांग्रेसी अपनी ही जगह पर खड़े खड़े गले में बंधी हुई घंटी को बजा रहे हैं, और वो भी बिना हिले हुए। और कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि वो इस महान देश में विपक्ष की भूमिका भी सही से निभा नहीं पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।